नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि और मंगलवार का दिन है। नौवीं तिथि आज देर रात 2:34 तक रहेगी। आज रात 8:31 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:38 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज गोगा नवमी और बीते कल यानी 26 अगस्त की दोपहर बाद 3:26 पर मंगल मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायजैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 अगस्त की शाम 4:40 से देर रात 1:38 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 28 अगस्त की सुबह 5:40 से शाम 5:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 28 अगस्त की सुबह 5:57 से दोपहर 12:03 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 13 सितंबर की सुबह 8:41 से दोपहर 1:19 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 5 सितंबर की सुबह 6:01 से सुबह 9:12 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:32 से शाम 5:37 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 28 अगस्त की सुबह 6:27 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 2:50 से देर रात 3:41 तक और एक बार फिर सुबह 5:10 से सुबह 5:57 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 4 सितंबर की सुबह 9:47 से सुबह 9:55 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:36 से शाम 5:41 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 28 अगस्त की सुबह 5:57 से दोपहर 12:03 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:33 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष वृश्चिक मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:35 से शाम 5:12 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:23 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:38 से शाम 5:15 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:20 से शाम 4:56 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:32 से शाम 5:07 तक। कोलकाता दोपहर 2:48 से शाम 4:23 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:26 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:17 से शाम 4:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए किसी मामले में जीत दिलाने वाला रहेगा, साथ ही आपको शासन व सत्ता का पूरा लाभ मिलेगा और आपका सम्मान बढ़ने से आपको खुशी होगी। किसी करीबी पर भरोसा करने से आपको समस्या हो सकती है, सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे तो सब ठीक होगा। आज व्यापार कर रहे लोगों को काम में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आज आपकी सकारात्मक सोच कामों को पूरा करने में सहयोग करेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आप किसी रिश्तेदार से मिलने उनके घर जाएंगे। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र तैयारी जारी रखेंगे और खूब मेहनत भी करेंगे। जिस व्यक्ति की आपने कभी मदद की थी वो आज आपके काम आएगा। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आपको किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। बच्चे आज आपको कोई शुभ समाचार देंगे जिससे परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। सेहत के मामले में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और घर के बुजुर्गों की सेवा भी करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसी रचनात्मक काम में मन लगाने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और स्ट्रेस फ्री होकर काम भी करेंगे। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने खर्च पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को शिक्षकों का सपोर्ट मिलेगा। आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी जिन्हें पूरा करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। आज हर कोई आपकी बातों से प्रभावित होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। किसी व्यक्ति की बातों को सोचकर आपको खुशी होगी और आप उसी बात को बार बार याद करके मुस्कुराएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आया है। आप ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिताएंगे और भविष्य की कुछ योजनाओं पर बातचीत भी करेंगे। आपके लिए कोई फैसला करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको भाई का साथ मिलने से आसानी होगी। ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण जीवन साथी के साथ कहीं जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। किसी काम में अनुमान से ज़्यादा धन लाभ होगा। आपको पैसों के लेन देन में सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे। आज आप अपने कामों में जल्दबाजी दिखाने से बचेंगे तो आप आगे आने वाली किसी समस्या से बच जाएंगे। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी जो कि आप अच्छे से संभाल लेंगे। साथ काम करने वाले लोगों से आपको मदद मिलेगी। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही आज का दिन कम मेहनत में ज़्यादा फल दिलाने वाला होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए कामकाज के मामले में आलस्य की वजह से कमजोर रहेगा। आपके कामों की गति धीमी रहेगी, लेकिन मित्रों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। इसके साथ ही आप परिवार में सबको खुश रखने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा। आज आपके अंदर त्याग और सहयोग की भावना रहेगी। आज आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मौका मिलेगा जिसमें आपकी सहभागिता अच्छी खासी रहेगी। कोई प्रिय मित्र आपसे किसी विशेष विषय को लेकर बातचीत कर सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है।
आज आपकी भावनाओं की कद्र होगी। लवमेट आज आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। आपका कोई मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है, जिसकी आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करेंगे। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो भी वो उन पर खरा उतरेंगे। मतलब आप संतान को जो भी जिम्मेदारी देंगे वो उसे अच्छे से निभा देंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से खुशी होगी। आज आप किसी बड़े लक्ष्य को पकड़कर चलेंगे और आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें और आपको एक से अधिक स्रोतों से लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज कार्यक्षेत्र में आप कुछ नया अनुभव करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप काम को पूरा करने के लिए नए आइडियाज शामिल कर सकते हैं। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थी तो वो आज दूर होंगी। किसी काम में बहन का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और माँ की किसी इच्छा को पूरा होने से, इच्छा पूरी हो जाने से आज आप खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। मेहनत से किए काम में आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के स्टूडेंट्स को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। बड़ों का सहयोग आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लंबे समय से रुके हुए सरकारी कामों का आज निपटारा हो जाएगा। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे और शाम का समय आप अपने दादा दादी के साथ बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। साझेदारी में किसी डील को फाइनल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके औद्योगिक मामले सुधरेंगे। आज आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ आज आप किसी बड़ी डील को फाइनल करेंगे। लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से शुभ फलदायक रहने वाला है। आपको अपने व्यवसाय के कामों में कुछ कठिनाई तो होगी, लेकिन फिर भी आप उन्हें पूरा करने की कोशिश में पूरी तरह लगे रहेंगे। आज आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज आपका कोई सपना साकार हो सकता है, जिसकी चाह आपको कई वर्षों से थी। आज परिवार का कोई संपत्ति संबंधित मामला, कोई विवाद सुलझ सकता है, जिसमें आपको वरिष्ठ सदस्यों की मदद भी मिलेगी। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। माता, आज के लिए माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में लाल रंग का रुमाल रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज माता पिता का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आया है। आज बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल लेंगे। मूलांक 2, पैसों के मामले में आप सावधानी बरतें, किसी से उधार लेन देन न करें। मूलांक 3, आज करियर में कुछ बदलाव होने वाला है। जल्द ही आपको तरक्की की कोई नई किरण नजर आएगी। मूलांक 4, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा था तो आज आपको उसमें जीत जरूर हासिल होगी। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कारोबार में तरक्की के लिए अच्छे विकल्प सामने आएंगे। मूलांक 6, आज ऑफिस में आपसे बॉस खुश रहेंगे, आपको इंसेंटिव भी मिल सकता है। मूलांक 7, आपको घर में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 8, आज आपका पारिवारिक जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा, जिसका आप पूरा आनंद उठाएंगे। मूलांक 9, आज आपके काम में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, जो कि दोस्तों की मदद से पूरी कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठने के बारे में।
कई लोगों के ऑफिस में इस तरह से व्यवस्था होती है कि आपकी पीठ दरवाजे के सामने स्थित होती है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑफिस में या घर में भी दरवाजे के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, साथ ही खिड़की के एकदम सामने भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसा भी अवॉइड करना चाहिए। दरअसल दरवाजे या खिड़की की तरफ पीठ करके बैठने से आपके अंदर की ऊर्जा बह जाती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और आपका तनाव बढ़ता है, जिसका सीधा असर आपके काम पर पड़ता है। इससे आप अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। अतः आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बैठते समय आपकी पीठ किसी दरवाजे या खिड़की के सामने ना हो। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि और मंगलवार का दिन है। नौवीं तिथि आज देर रात 2:35 तक रहेगी। आज रात 8:32 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता, अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। साथ ही आज दोपहर बाद 3:40 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। देखो, रोहिणी कल रात था, अष्टमी कल रात थी, गृहस्थों को व्रत कल रहना था। आज जो लोग नंदोत्सव मना रहे हैं, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में, मथुरा में, वृंदावन में जो लोग वैष्णव हैं, वो कृष्ण के जन्म के बाद नंद के घर लभ है, इस खुशी को मनाने के चक्कर में व्रत रहने लगते हैं। गृहस्थ को व्रत तब रखना चाहिए जब रात के समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, और अगर उस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, श्री कृष्ण जयंती बन जाती है। कल थी रात, गृहस्थों को कल ही व्रत रहना चाहिए था। आज व्रत का कोई अर्थ नहीं है। काहे बात का व्रत, अब तो लल्ला भयो, अब तो खुशी मनाओ। गृहस्थों को श्री विष्णु के आगमन की प्रसन्नता में, श्री विष्णु के आगमन की सूचना पाकर उस दिन उपवास रखकर श्री विष्णु के आगमन का आह्वान करना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। इसका समय कल रात था 12 बजे, आज नहीं है, आज तो बस नंदोत्सव है। आज चलते हैं। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं। उन 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा और इसकी राशि वृष है। रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। पेड़ पौधों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा रोहिणी नक्षत्र के जन्मे जातकों को रोहिणी नक्षत्र के दौरान जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को इस दौरान जामुन के पेड़, टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रोहिणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे गोगा नवमी की। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी मनाई जाती है। ये पर्व मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गोगा जी महाराज के जन्मोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गोगा जी को योग, तप और मंत्रों के प्रभाव से ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई कि बाद में इन्हें राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेड़ी में इनका एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। कहते हैं कि गोगा जी में बचपन से ही एक अद्भुत शक्ति थी और इसी के प्रभाव से गोगा जी ने अपने नीले रंग के घोड़े पर जीवित समाधि ले ली थी। गोगा नवमी के दिन राजस्थान के हनुमानगढ़ में हर साल बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जहां अधिकतर लोग पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण किए होते हैं। इस दिन गोगा जी महाराज की छड़ी का विशेष महत्व है। इस छड़ी को भक्तजन अपने कंधे पर रखकर पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालते हैं।
गोगा नवमी की पूजा के लिए रसोई घर की दीवार पर हल्दी व चंदन से गोगा जी के प्रतीक स्वरूप की तस्वीर बनाई जाती है और उसमें तवे की कालिख या कोयले से रंग भरा जाता है। साथ ही खेतों में खरपतवार के रूप में खड़ी जाटी नाम के पौधे की टहनी या फिर गोगा नाम के पौधे को लाकर उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसे शाम के समय किसी नदी या तालाब में बहा दिया जाता है। दरअसल हरियाणा में एक शाक को गोगा के पौधे का नाम दिया गया है, जिसे सामान्यतः अपामार्ग, लटजीरा, चिरचिटा आदि नामों से जाना जाता है। अपामार्ग का बड़ा महत्व है। इसका वैज्ञानिक नाम है आचिरांथिस अस्पेरा। इस पौधे में अनेक औषधीय गुणों के कारण ही इसे गोगा नवमी के दिन गोगा देव के रूप में पूजा जाता है। प्रचलित प्रथा के अनुसार गोगा नवमी के दिन ही रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां उतार कर गोगा देव गोगा पर चढ़ा दी जाती हैं। अब वो गोगा मतलब आप लटजीरा में चढ़ा दीजिए। तो ये थी चर्चा गोगा नवमी की, और अब बात करते हैं आज मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश की। कल दोपहर बाद 3:26 पर मंगल मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और 20 अक्टूबर की दोपहर 2:25 तक यहीं पर रहेंगे। आपको बता दूं कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, अतः मंगल के मेष राशि में इस प्रवेश से मेष राशि के साथ ही बाकी 11 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, मंगल आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही 20 अक्टूबर तक मंगल की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मंगल के मेष राशि में गोचर से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। मेष राशि वालों, मंगल आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक बने रहेंगे। आप अपनी कोशिशों के बल पर जीवन में उन्नति करने में सफल रहेंगे। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, साथ ही आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। अतः 20 अक्टूबर तक मंगल के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा लेकर किसी नाई या दर्जी को गिफ्ट कर दें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। वृष राशि वालों, मंगल आपकी जन्मपत्रिका में दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से पैसों के मामले में आपको लाभ मिलेगा। आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे। 20 अक्टूबर तक ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने के संकेत हैं। आपके पास अन्न की कभी कमी नहीं होगी। बड़े भाइयों से आपका प्रेम भाव बना रहेगा, साथ ही घर के बाकी सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अतः 20 अक्टूबर तक मंगल की शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, साथ ही भाइयों की हर संभव मदद करें, इससे आपको मिलने वाला आर्थिक लाभ बना रहेगा। मिथुन राशि वालों, मंगल आपकी जन्मपत्रिका में पहले स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत का लाभ मिलेगा। आपके यश सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक रहेगी, साथ ही आपकी संतान को कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन इस बीच आपको जिस बात पर अधिक फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर किसी की जन्मपत्रिका के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर हो तो जातक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। अतः आपकी जन्मपत्रिका में पहले स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 20 अक्टूबर तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बनाएगा। वहीं जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि क्या उनके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक, अन्यथा सतर्क होकर आपको इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। अतः 20 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से मंगल के अशुभ फलों से बचने और लाभ की स्थिति को बनाए रखने के लिए मंदिर में मसूर की दाल दान करें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कर्क राशि वालों, मंगल आपकी जन्मपत्रिका में 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी से आपके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। किसी बात पर आप दोनों की लड़ाई हो सकती है। आसपास के लोगों में आपको अपना व्यवहार ठीक बनाकर रखना चाहिए। बातों को फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। 20 अक्टूबर तक आपको सांस संबंधी कोई परेशानी हो
हो सकती है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होना तय है। आपको इस बीच अपने शत्रुओं की चाल से बचकर रहने की जरूरत है। संतान और भाइयों से भी ज़्यादा खुशी मिलने की उम्मीद नहीं है। व्यापार में आपको थोड़ी सावधानी बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं, आपकी जनपत्रिका में 12वें स्थान पर मंगल का ये गोचर 20 अक्टूबर तक के लिए आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बनाएगा। आपको अपने जीवन साथी की पत्नी पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जनपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें जा रहा है। अगर नहीं तो इस बात का ध्यान रखें, और अगर जा रहा है तो आपके जीवन साथी भी मांगलिक हो गए हैं। अन्यथा की स्थिति में सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। अतः 20 अक्टूबर तक अस्थायी तौर पर मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल पाने के लिए मंदिर या किसी धर्म स्थान पर बताशे का दान करें। इससे आपको मांगलिक दोष के प्रभाव से छुटकारा मिलेगा और आपके साथ सब अच्छा होगा। सिंह राशि वालों, मंगल आपकी जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको 20 अक्टूबर तक दूसरों से अपने काम पूरे करवाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। खासकर कि भाई बहनों से मदद पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी के सामने अपनी बात रखने में आपको परेशानी महसूस होगी। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। पैसों के मामले में भी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। अतः 20 अक्टूबर तक मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में तिल का दान करें। कन्या राशि वालों, मंगल आपकी जन्मपत्रिका में 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में हर तरह से आपकी बढ़ोतरी होगी। आपको धन लाभ होगा। हालांकि चल संपत्ति से ज़्यादा आपको अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो 20 अक्टूबर तक आपकी स्थिति और भी अच्छी होगी। आपको संतान सुख मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके घर में सब खुश रहेंगे। काम के प्रति आपका साहस और पराक्रम देखने वाला होगा। अतः 20 अक्टूबर तक मंगल की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए चूल्हे पर दूध उबालते समय यह ध्यान रखें कि दूध उबलकर बर्तन से बाहर न गिरे। इससे आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तुला राशि वालों, आपकी जन्मपत्रिका में 9वें स्थान पर गोचर करेंगे मंगल। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से धार्मिक चीज़ों के प्रति आपकी रुचि कुछ कम होगी। आपको 20 अक्टूबर तक भाग्य का मनचाहा साथ नहीं मिल पाएगा। आपको अपने काम के लिए दूसरों से मदद लेनी पड़ेगी। माता पिता के साथ आपके संबंधों में कुछ परेशानी आ सकती है। किसी बात को लेकर वो आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। अतः 20 अक्टूबर तक मंगल की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए बड़े भाई या बड़े भाई समान लोगों का सम्मान करें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपकी जन्म पत्रिका में 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप शत्रुओं से पीछा छुड़ाने में भी सफल रहेंगे। न्याय के लिए लोग आपसे मदद मांगेंगे। 20 अक्टूबर तक आप अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करने में सफल रहेंगे। साथ ही लोगों का अपने ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे। अतः 20 अक्टूबर तक मंगल के शुभ फल पाने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे आपके जीवन में मंगल के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। देखो, आप भी मंगली हो रहे हो वृश्चिक राशि वालों, तो अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखिएगा। और धनु राशि वालों, मंगल आपकी जन्म पत्रिका में 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही गणित विषय को पढ़ने में आपका मन लगेगा। आपको अपने कार्यों में जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। 20 अक्टूबर तक आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे और आपकी संतान की भी खूब तरक्की होगी। साथ ही इस बीच आपकी कोई मनचाही इच्छा पूरी होगी और आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ आपको एक बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि जनपत्रिका में पहले चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। अतः धनु राशि वालों, आपके 7वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से 20 अक्टूबर तक आप अस्थायी रूप से आप पर मंगल का प्रभाव होगा। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आपके जीवन साथी की पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें,
आठवें या बारहवें स्थान पर जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। अतः 20 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बुआ या बहन को लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। मकर राशि वालों, मंगल आपके जन्मपत्रिका में छठे स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से आपको अचानक किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संतान के जीवन में कोई बड़ा चेंज आ सकता है। 20 अक्टूबर तक आपको अपनी संतान को सोने की कोई चीज़ पहनाना अवॉइड करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अतः 20 अक्टूबर तक मंगल की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी कन्या को कुछ गिफ्ट करें और उसका आशीर्वाद लें। इससे आप मंगल के अशुभ फलों से बचे रहेंगे। कुंभ राशि वालों, मंगल आपकी जन्मपत्रिका में पांचवें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से आपको जीवन में कई तरह के सुख प्राप्त होंगे। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, साथ ही माता से सहयोग मिलेगा। 20 अक्टूबर तक आपका स्वभाव शांत रहेगा और आप न्यायप्रिय होंगे। बड़े बुजुर्गों को इस दौरान ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको जीवन साथी और संतान का सुख मिलेगा, साथ ही आपकी निरंतर उन्नति होगी। अतः 20 अक्टूबर तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह उठकर अपने बड़े बुजुर्ग या पितरों का आशीर्वाद लें। इससे आपको जीवन में हर तरह का सुख मिलेगा। और मीन राशि वालों, मंगल आपकी जन्मपत्रिका में चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको माता का पूरा सहयोग मिलेगा, साथ ही आपको भूमि भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन आपकी पत्रिका में चौथे स्थान पर मंगल के गोचर से आपको इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। अतः 20 अक्टूबर तक के लिए आपके चौथे स्थान पर मंगल का गोचर आपको अस्थायी तौर पर मांगलिक का प्रभाव देगा। ऐसे में आपको मंगल के उपायों का खास ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको एक और बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आपके जीवन साथी की कुंडली में भी तो मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें स्थान पर नहीं जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। तो 20 अक्टूबर तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अस्थायी तौर पर मांगलिक प्रभावों से बचे रहने के लिए दूध में थोड़ा सा मीठा डालकर बरगद के पेड़ की जड़ में डालें और दूध डालने से जो मिट्टी गीली हो उससे अपने माथे पर तिलक लगाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने के बारे में। मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, मंगल उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं केरल। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है प्राचीन त्रिप्रायर श्री राम मंदिर। इस मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति बड़ी ही अलौकिक बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण अपने आराध्य के पूजन के लिए करते थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान के दर्शन करने से सभी बुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि है। नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौवीं तिथि आज देर रात 1:35 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 1:21 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कुर्सी या स्टूल दान करें। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ
हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।